नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। और अभी एक एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से खबर आ रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में नीतीश से गठबंधन टूटने को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। संजय जायसवाल ने कहा, गठबंधन टूटने के पीछे पीएफआई है। फुलवारी शरीफ केस की जांच एनआईए को सौंपी गई तो बिहार के कई अधिकारी डर गए, उनका पर्दाफाश हो जाएगा क्योंकि वो पीएफआई से मिले हुए हैं। ऐसे में अधिकारियों और आरजेडी को बचाने के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ा गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले एक पूरा साजिश का पता लगता है कि 2047 में पुनः इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और उसके सारे दस्तावेज मिलते हैं। और जब यह पीएफआई का यह जो लिंक था, यह जब एनआईए को सौंप दिया जाता है, जब केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है, तो इस सरकार में जो जुड़े हुए अफसर हैं, जो कहीं ना कहीं उन सब का लिंक इन सब के साथ है, उन अफसरों को लगा कि अगर अब हम भाजपा से अलग नहीं होंगे तो राजद भी खतरे में पड़ेगा और हम सब भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो राहें क्या जुदा हुई, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।